छतरपुर जिला के विजावर कृषि मंडी में सुबह 9 बजे से खाद के लिए लाइन में लगे 40 वर्षीय किसान ने हार्ट अटैक के कारण सामूहिक स्वास्थ्य केंद्र विजावर में दम तोड़ दिया। आम आदमी पार्टी नेता अमित भटनागर ने प्रशासनिक लापरवाही को किसान की मौत का जिम्मेदार ठहराते हुए मृतक के परिवार के एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी और 1 करोड़ रुपए मुआवजे की मांग की है। ये बहुत ही दर्दनाक और शर्मनाक स्थिति है कि मध्य प्रदेश में लगातार हम लोग ये बार बार कह रहे हैं कि किसान की स्थिति बहुत ही दयनीय है। किसान को खाद नहीं मिल रहा है, उसका मानसिक स्थिति भी बहुत ज़्यादा मानसिक रूप से टेंशन है। लोग भीड़ में लगे हुए हैं, लाइन में लगे हुए हैं, बोनी का समय निकल रहा है, ना उन्हें सिंचाई के लिए बिजली मिल पा रही है और उनके ऊपर टेंशन बहुत ज़्यादा है क्योंकि उनके ऊपर उधारी बढ़ रही है। लोगों ने खाद ले लिया है, जुताई कर ली है और खाद समय पे मिल नहीं पा रहा है, बीज ले लिया महंगे महंगे क्योंकि डीजल के रेट ज़्यादा है, इसलिए जुताई का भी पैसा ज़्यादा लग रहा है, समय से खाद नहीं मिल रहा है और लाइन में लगा था। आज बहुत ही दुर्भाग्य, ये मैं कहूँगा देश के लिए ये दुर्भाग्य की बात है कि हमारा एक नौजवान किसान, मतलब 40 साल की उम्र का एक दयाराम अहरवार जी नाम के किसान जो लाइन में लगे थे, उनको खाद नहीं मिल पा रहा था और आज उन्हें अटैक आ गया और वहाँ दर्द, यहाँ उनकी मृत्यु हुई है। बहुत ही दर्दनाक स्थिति है। मैं सरकार से ये मांग करूंगा कि एक तो खाद जो है वो किसान के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है, किसानों को निश्चित किया जाए कि खाद उन्हें समय से मिले। दूसरा, मृत परिवार को, एक जनों को कम से कम सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए कि सरकार की लापरवाही के कारण ये मृत्यु हुई है और इसीलिए कम से कम इस किसान को 1 करोड़ रुपये का मुआवजा सरकार को देना चाहिए। जी कैसे खत्म होगा? खत्म होगा ये सो श्रीमान का ऐसे खास ले भी हाँ सो खाद की बोई में लगे थे लेन में, हम तो लेन में से हमने खाद निकलवा दो बोई नहीं है ये जाकि दो नहीं डी पी सी की और काका को उसे नहीं से ही को छाती पिरानी तो उसे ले के भगी तो आए रमेश रमेश बोले खाले भैया शेखा में ले जा हमारा पास इसे लो ले आए सुखी तो इंजेक्शन लगी और बेटा खत्म हो गया। कौन सी सोसाइटी में आए थे? बने साल में नहीं हो रोड केवल यहाँ दिखाऊँ से हम आए थे 9 बजे। छतरपुर से भरत यादव की ये रिपोर्ट।